दोस्तों मतलब मैच देखने के बाद पता चला कि ये तो हम नया मैच देख रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो ये लग रहा था कि पिछले मैच की हाईलाइट चल रही है। जो दो दिन पहले हुआ था वो एग्जैक्टली दफा हुआ। इस बार फिर अपने टॉप ऑर्डर को देखकर कुछ इस किस्म का रिएक्शन निकला। सीरीज बल्कि हम हार चुके हैं, बहुत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि यार यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा चांस दे देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप यंगस्टर हैं या आप बुड्ढे हैं, अगर आप पाकिस्तानी जर्सी में आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल लेवल के लिए रेडी हैं। अगर आप लोग रेडी नहीं हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक ही खेलना चाहिए, आपको इंटरनेशनल में नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये जो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो हमारी जो पीसीबी ना उसकी रीतालियाँ होनी चाहिए कि एक तो उन्होंने पहली बात तो ये कि जो ओडीआई की सीरीज थी उसको खत्म करके टी20 की सीरीज डाली। पता भी है कि आगे ओडीआई का वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने टी20 का ये जो लकुना बीच में डाला है, टी20 के अंदर भी सबसे जो डेंजर साइड थी इस वक्त और स्पेशली यूए की कंडीशंस के अंदर वो थी अफगानिस्तान की टीम, और उसके खिलाफ हमने ये जबरदस्त किस्म की सीरीज रखने का प्लान किया। बनी बनाई ओडीआई की सीरीज थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही थी, वो हमने चेंज करके टी20 की बना दी, और उसके अंदर हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर थे उनको हमने कहा कि यार आप लोग सब बैठ जाए, हमारे जो यंगस्टर यंग गन्स हैं पीएसएल के वो ही ये हमें जिता के ले आएंगे। जो हमारे सीनियर्स इससे पहले खेलते रहे अफगानिस्तान के खिलाफ वो बेचारे वो भी स्ट्रगल करते रहे, तो हमारे यंग गन्स जाके टी20 में अफगानिस्तान को हराएंगे, ऐसा इनको लग रहा था। और वही हुआ जिसका डर था कि हम लोग इस वक्त सीरीज भी हार चुके। तो पीसीबी मैनेजमेंट के लिए खूब तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यार उन्होंने ये वो होता है ना, यंगस्टर्स को चांस दिया जाता है, उनको इस तरह जो है एक्सपोज नहीं किया जाता, ट्रक के सामने रख दिया जैसा छोटी सी बकरी को रख देते हैं आप ट्रक के सामने और वो इसी तरह हो गया। हेडलाइट्स देख के उनकी आंखें उधर की उधर ही टिमटिमाती रह गई, ना बैटिंग हो रही ना बॉलिंग हो रही, लेकिन फिर भी हमारे अभी भी वैसे भी जो कुछ सॉलिड किस्म के हमें मिला है इस दफा टैलेंट वो बॉलिंग में ही मिला था। जमान था और एहसान है जिनकी बैखा में टीम के अंदर कुछ जगह भी बनती, बाकी सब जो है वो अभी भी मेरा नहीं ख्याल के तैयार हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए। अगर हैं भी तो इसी तरह हो कि कम अज कम पूरी टीम के अंदर बाकी सारे एक्सपीरियंस्ड और पुराने प्लेयर्स हो, उनके साथ एक एक करके बीच में एक लकुना डाला जाता है यंगस्टर का, जो कि दूसरे एंड पे जो खड़ा हुआ होता है वो वही उसको बता रहा होता है कि बेटा शॉट मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने पूरे के पूरे 20 ओवर खेलने। जो पिछले मैच के अंदर भी हम यही कह रहे थे कि यार ये जो 20 ओवर है ना वो खेल ही लेते तो ये 120-130 रन बना लेते जो कि विनिंग टोटल होता उस दफा। इस बार भी यही हुआ है कि जो थोड़े सीनियर प्लेयर थे जिसके अंदर इमाद और शादाब थे, उन्होंने एंड तक सिर्फ खड़े होकर अगर अपनी बारी ही पूरी ली है तो वो 130 तक ले गए थे, जो थोड़ा बहुत मैच बन गया था। वैसे ये पिच जो है पिछले मैच से बेहतर थी तभी हमसे इस दफा 130 हुए, नहीं तो ये इस दफा मेरा हमें 140-150 की पिच थी और जो पिछली वाली थी वो तकरीबन 120 की पिच थी। तो हमने एक बार फिर से बैटिंग के अंदर लिद कर दी है, और मुबारक हो उन सब लोगों को जो कि स्ट्राइक रेट के ऊपर डिबेट करते हैं। साइमन डूल और आमिर सुहेल के बीच में बहुत जबरदस्त किस्म की एक लड़ाई भी हो रही थी कॉमेंट्री के बीच में, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मुझे चाहिए सिर्फ एवरेज और वो कह रहे थे कि मुझे चाहिए सिर्फ स्ट्राइक रेट, आप दोनों को जो मर्जी चाहिए आप दोनों जो है भाड़ में, क्योंकि हमें तो चाहिए, हमें ये चाहिए कि यार को थोड़ी सी इज्जत बच जाए। हमारे बाबर और रिजवान जो है वो स्ट्राइक रेट बाद में आता है, पहले तो हमें ये मसला बना हुआ होता है कि हमसे 20 ओवर सर्वाइव नहीं होते हैं, हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि 6 पावर प्ले के 6 ओवर्स खेल सके। तो वो सब करने के लिए हमें बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर चाहिए, लेकिन खैर अगर वो ओपनर नहीं भी आ रहे, कोई एक वन डाउन भी आ रहा था तो उस पर भी कोई मुजायका नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो भी हो उनकी शदीद कमी जो है वो हमें महसूस हो रही है इस सीरीज के अंदर ही, और अभी जितने भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका स्टैंडर्ड ही बहुत हाई होता था उनको याद आ गया होगा, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले तक हमारी यही औकात होती थी कि हम टी20 के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हम भूल जाते हैं कि यार हमारी औकात क्या है, लेकिन औकात को भूल के फौरन जो है चौड़ा हो जाना यही तो पाकिस्तानियों की आदत है, इसी वजह से हम लोग अब जलील भी हो रहे हैं। हमसे इधर जो है वो पावर प्ले के अंदर मेरा हमें कुछ 40 रन नहीं बन रहे हैं, ऊपर से विकटें भी बचाना मुश्किल हुई है, उधर साउथ अफ्रीका हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट चेस करके बैठा हुआ है। खैर उसके ऊपर भी बाद में बात ही करेंगे, अभी तो हम जो हमारे साथ जो हो रहे हैं हम जितने जलील हो रहे हैं उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया जिसके अंदर उन्होंने 4 मुसलसल मैचेस के अंदर डक लेने का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अभी हम हंसने ही मतलब अभी हम जोक्स बनाना शुरू ही हुए थे स्काई के बारे में, जिसके बारे में सूर्य कुमार यादव के बारे में पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी कि उन्होंने 3 लगातार डक्स लेकर अपना नाम रोशन किया है, तो हम उन पर मजाक लिखने ही वाले थे कि हम अपना मजाक बना के बैठे हैं, यार इतना तो चांस दिया करो कि कम अज कम किसी और के ऊपर जोक तो मार सके, उससे पहले हम खुद ही जोक बने हुए होते हैं। वैसे ये बात गलत है यार, ये जो होती है ना जो पहली बॉल होती है वो वैसे ही हमेशा ट्राई बॉल होती है, तो मैं तो ऐसी विकेटों को आउट मानता ही नहीं हूं जो इस मासूम के साथ हो रहा है। लेकिन एक और मैं बता दूं, स्काई जो है वो ओडीआई के अंदर 3 दफा गोल्डन डक हुआ है, और हमारा बॉय जो है गोल्डन डक तो नहीं है जो भी हो डक्स पे आउट हुआ है, और हमारा बॉय जो है वो टी20 के अंदर हुआ है, तो स्काई का थोड़ा और बुरा रिकॉर्ड है। खैर अगला मैच में देखेंगे अगर वो भी इसको कामयाब कर ले 4 करके दोबारा से रिकॉर्ड बराबर कर ले, क्योंकि अब तो इस किस्म की कॉम्पिटिशन हमारा शुरू हो गया है। जो भी हो यार इनको सबको सीरीज वगैरह को हटाओ, इनको कहो कि वापस पीएसएल में जाएं यार और वहां पर जाके इसी किस्म की जबरदस्त किस्म की जंग पेश करें जिसके अंदर हम आपस में ही लड़ रहे होते हैं, और
ये अवानी जो प्लेयर्स है ना वो भी हमारी टीम में होते हैं। नबी जो है वो तपावा है हमारे ऊपर, उसने पिछला मैच भी जो हरा दी, उसको रख लेते भाई किसी टीम में भी रख लेते, पता नहीं उसको ड्रॉप क्यों कर दिया हमारे गले में, वो हड्डी की तरफ फंसा भाई उसको, फिर ऐसे छक्के मार मार के। अभी तो हम बड़ा कह रहे ना कि एंड के अंदर बात जो है वो फंस गई थी बड़ी, हमने कोशिश की थी, तो उसके अंदर शुक्र करो कि एंड में हमारी जो दो चार वो इनसाइड है जिसके चौके हमें मिल गए थे, नहीं तो 120 हमारा स्कोर होना था और ये कप का इन्होंने चेज भी कर लेना था। वो फंसा ही इसलिए क्योंकि इनसाइड एजेस पे हमारे चौके हुए। खैर नबी ने क्या गुस्से में आना है, राशिद खान जो है उसकी वही वाली जो फॉर्म थी जो उसने पीएसएल में पकड़ी हुई थी वो लेके वो आ गया। देखो हमारी जो पीएसएल की फॉर्म थी वो थी रूफी के पास और वो थी शाहीन के पास, और वो दोनों हमने टीम में रखी नहीं है, लाहौर कलंदर्स के जो थे उनको हमने सारी फॉर्म ला के दे दी। राशिद खान ने इन दोनों मैचेस के अंदर एक भी चौका नहीं खाया। T20 के अंदर ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, और वैसे आपस की बात है कि हमारी टीम ने मारे ही कितने चौके हैं, बाकी भी बॉलर्स का देख लें तो उनको इक्का दुक्का ही पड़ा होगा। ये तो अल्लाह भला करे इमाद वसीम का जिन्होंने को हमारी इज्जत रख ली, उन्होंने टीम के मेरे ख्याल में 50% स्कोर जो है वो उन्होंने बनाया था अकेले। लेकिन खैर इसको सेल्फिश इनिंग्स नहीं कहा जाएगा क्योंकि इमाद वसीम है, अगर कोई और मखसूस तबके के प्लेयर होते तो उसके ऊपर बातें जरूर हम करते कि उन्होंने बहुत ही सेल्फिश इनिंग्स खेली है। पिच इस किस्म की थी उसके ऊपर इसी किस्म का ही स्कोर होना था। इमाद और शादाब की बहुत ही कमजोर किस्म की रनिंग भी नजर आई जिसके अंदर पता चल रहा था कि इनके बीच में कोई भी किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, दोनों जो है वो नाराज हैं एक दूसरे से। यही वो पुरानी टीम थी हमारी पाकिस्तान की जिसका नजर आ रहा होता था कि इनके बीच में कोई यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है, कोई और सियासतें चल रही हैं और वो वापस नजर आना शुरू होगी। तो इसके अंदर पीसीबी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि दोबारा से वही पुरानी पाकिस्तानी टीम हमें नजर आना शुरू हो चुकी। उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि बेहतरीन किस्म की जो इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हमारे शादाब भाई भी दे रहे हैं। अगर आपकी उंगली टूटी भी, आपने पूरे पीएसएल के अंदर भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, आप कप्तान भी बने, लेकिन चलो उंगली की वजह से आपकी स्पिन विन में या बैटिंग में अगर नजर नहीं भी आ रही, लेकिन कम से कम दिमागी तौर पर तो कोई चोट नहीं लगी हुई कि आपने एक दफा फिर से टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों किया, जब पता है कि पिच की कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना। और पिछले मैच के अंदर जो हमने लिद फेरी थी वही हमने दोबारा प्रेशर में उन्हीं बैट्समैन को सामने कर दिया कि भाई आओ और आकर दोबारा से बैटिंग कर लो, और वही हुआ कि एक दफा फिर से हम पहले ओवर के अंदर ही हमें दो आउट होकर चले गए थे। लेकिन हमारा तो यही, हम तो स्ट्राइक रेट वाले लोग हैं भाई, हमें स्ट्राइक रेट चाहिए भावे दो आउट हुए हुए हों जीरो के ऊपर। आजम भाई भी जो है उनके बारे में भी हमने बहुत लड़ाइयां की कि इनको टीम में रखो इनको टीम में रखो, लेकिन उन्होंने अब जो है वो बैटिंग अंदर आके एक दफा फिर से कर दी। तीसरा मैच जो कि बिल्कुल डेड रबर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर क्लीन स्वीप नहीं हम खाएंगे और कम से कम वो जीत जाएंगे और उसके अंदर को हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी कुछ परफॉर्मेंस कर देंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरा हाल है। और मैं टोटली ब्लेम तो इनको नहीं करूंगा क्योंकि इन सब के ऊपर ही टीम को डाल दी है। तीन आपने अगर डेब्यूटेंट्स भी डाल दिए तो बाकी पांच जो है वो हैं जो कम बैक कर रहे हैं, जो कम बैक कर रहा होता है वो और ज्यादा प्रेशर सिचुएशन के अंदर टूटा हुआ होता है, वो तो और ज्यादा ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है प्रेशराइज हुआ होता है। खैर एक और हमने मैच देख लिया जिसके अंदर बाबर आजम और रिजवान की कमी सख्त महसूस हुई है। यार बस वही इनिंग्स एक एंकर वाली इनिंग ही खेलनी थी, उसके अंदर 130-140 रन बनी जाने थे। अगर पहले वाले मैच के अंदर भी कोई 120-130 बने हुए होते तो शायद जीतने का कोई चांस था, इसके अंदर भी चांस इसीलिए बन गया था क्योंकि हमने मर मर के 130 बना दिए थे, अदरवाइज ये पिच भी जो है हमें 140-145 की थी। मैं हूं और बस ये एक बंदा है जो कि शुरू दिन से बाबर आजम की जो ट्रू वैल्यू है ना उसको जानता है। जब ग्राउंड पे आता है कप्तानी की तो मुझे ये समझ नहीं आ रही यार, हम लोग बाबर की कप्तानी के ऊपर अक्सर बातें कर रहे होते हैं लेकिन 11 ओवर्स हो गए थे और उसके अंदर आपकी जो पिछले मैच का सबसे बेहतरीन बॉलर था मैडी यानी कि इमाद वसीम उसको कोई ओवर ही नहीं दिया गया था, तो वो भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस किस्म की कप्तानी हो रही है। दूसरा बहुत ज्यादा रिलाई किया जा रहा था कि जो अफगानी बैटर्स हैं वही गलती करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो हमने तो आउट आउट कुछ नहीं करना, तो कोई ऐसी एग्रेशन मुझे नजर भी नहीं आ रही थी, तो अजीब किस्म की कप्तानी हुई। लेकिन जो सबसे बेहतरीन डिसीजन थी वो टॉस के ऊपर ही थी जो कि इन्होंने लेके हम सबका नाम बहुत ही रोशन कर दिया। जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी नसीम शाह को जो छक्के पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो जो दो छक्के मार दिए थे अफगानिस्तान को उसके बाद से वो जमीन पर आ नहीं सके थे। बहुत हमने ऐसे पहले भी प्लेयर्स देखे हैं जो कि इसी तरह आए थे जिसमें हसन अली जो है वो पेश होते थे जो कि बहुत ज्यादा मस्ती के अंदर बिजी हो गए थे और गेम से हटके उनके ध्यान किसी और तरफ ही चले जाते थे और फिर उसके बाद उनका हमने डाउनफॉल भी देख ली, तो यही सब चीजें हमें नसीम शाह में भी नजर आ रही थी। तो बहुत अच्छा हुआ कि उसी को छक्के पड़े और अफगानिस्तान की तरफ से ही छक्के पड़े ताकि इंसान जो है वो वापस थोड़ा जमीन के ऊपर आ जाए, तो आई होप कि अब उसकी भी थोड़ी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर फोकस हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने का भी सोच लेंगे। खैर अभी तक जो मेरा ख्याल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो थी इमाद की और जमान की भी अच्छी थी और एहसान की भी थी, इनको टीम में होना चाहिए, बाकी मुझे किसी का नहीं लग रहा कि इनको टीम में रखने की ज्यादा जरूरत है। मैं हमें दो दो तीन तीन करके ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। खैर मैं तो पिछली वीडियो के अंदर भी ये कहता कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनको इमरजेंसी की बेस के ऊपर वापस टीम के अंदर लाया जाए और अभी देख लिया जाए कि इस वक्त तो अब कोई चांस ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में जो सीनियर भी अभी बैठे हुए टीम को उनकी बाहर निकाल के सारे ही यंगस्टर डाल दो अगले मैच के अंदर, क्योंकि बिल्कुल ही डेड रबर हो चुका है, जिसने भी जीतना है जीते भी, सीरीज तो हम हार
चुके हैं अफगानिस्तान से, वो जो इतनी खूबसूरत ट्रॉफी थी जो वैसी बड़ी कोजी थी, मेरे ख्याल में वहीं से सारी नहूसत आई है कि इंसान को जब दिल ही ना कर रहा हो इस किस्म की मनहूस कोजी किस्म की ट्रॉफी जीतने का तो वो क्या खेल। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का भी मैच हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन हुआ, जिसके अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज हो गया T20 के अंदर, और इस पूरी हिस्ट्री के अंदर वो सब मैचेस भी हैं जो कि लीग क्रिकेट होती है, जिसको मैं वैसे कोई इतना खास रेट नहीं करता हूं क्योंकि उसके अंदर तो बस अजीब किस्म की चार चार पांच पांच ही क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, बाकी सब जो रेलू कट्टे होते हैं वही होते हैं इन टीम्स के अंदर भरे हुए, तो उसके अंदर फिर भी स्कोर बनाते हैं, लेकिन उनको भी तोड़ दिया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो कि T20I का हुआ है वेस्ट इंडीज का, यह प्लेयर है जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने कोई मेरा ख्याल में कोई 38 बॉल्स के ऊपर या कितनी बॉल्स के ऊपर 100 मारे थे, इतनी खुशियां मना रहे थे, लोग कह रहे थे काली आंधी वापस आ चुकी है, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद जब आए तो डी कॉक ने आके मैं कुछ 40-41 बॉलों के ऊपर 100 मार दिया, और इन्होंने पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म किया हुआ था, 100 रन बने हुए थे पावर प्ले के अंदर ही। ये जॉनसन मासूम भी यही कह रहा होगा कि यार ये मैंने एक ही परफॉर्मेंस दी थी, तुम लोगों ने उसके ऊपर भी पूरा पानी फेर दिया। खैर मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा, ऐसा है तो लाइक बटन को छू लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके CB Army का हिस्सा बन जाएं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।